हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमएससी के जो एडवांस इकोलॉजी पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का, उसके 16वें पेपर के बारे में बात करेंगे। एडवांस इकोलॉजी के एक टॉपिक है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो उसमें हम अपने पिछले लेक्चर में भी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने ये डिफरेंट टाइप के जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें से हम हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, जियो थर्मल, सोलर, विंड एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम ओशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमें इस इंडस्ट्रियल जो युग जब हमारा चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे नए नए एनर्जी के सोर्सेज ढूंढने हैं, और इन्हीं में से जो ऐसे सोर्सेज हमें ढूंढने हैं जो कि रिन्यूएबल हों, जो इनएग्जॉस्टिबल हों, और जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाएं। और इसी में से अभी हमारी सरकार ने जो ओशन एनर्जी है उससे रिलेटेड जो और भी उसके पार्ट्स हैं, ओशन एनर्जी है या जिसे हम महासागरीय ऊर्जा कहते हैं, या तरंग ऊर्जा या वेव एनर्जी है, और टाइडल एनर्जी है, इनको हमने गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में आइडेंटिफाई किया है। और ये किस तरीके से, क्योंकि ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन है उससे हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल से, उससे ये बेटर साबित हों और हम इनको लगातार हार्नेस कर सकें, तो इसके बारे में ओशन एनर्जी अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशन एनर्जी मतलब महासागरीय ऊर्जा, जो पानी से पैदा होने वाली ऊर्जा है, सागरों के पानी से, ये सागर महासागर जो हैं, दुनिया के वर्ल्ड का 70% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर बॉडीज़ से कवर होता है। इसलिए ये हमें ये पता है कि ये जो हमारा प्लैनेट है वो एक ब्लू प्लैनेट कहलाता है। ऊपर स्पेस से देखने पे हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ये 70% जो है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हमारी कोस्टल लाइन है वो करीब 7000 किलोमीटर लंबी है। महासागरों से लगती हुई जो हमारी सीमा है भारत की, वो 7000 किलोमीटर लंबी है। तो हमें यहाँ पे हम इसका काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर देख रहे हैं कि इस कोस्टल लाइन से, इस जो समुद्री एरिया हमारे भारतवर्ष को चारों तरफ से घेरे हुए है, पेनिनसुलर इंडिया को, तो उससे हम कितनी एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। और ये अलग अलग जो एनर्जी के रूप हैं, जिसमें हम वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और जो ओशन थर्मल कन्वर्जन्स हैं, हमारे ओटेक जो हैं एनर्जी के सोर्सेज हैं, उसमें हम करीब 2 लाख मेगावाट से ज़्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, और आगे आने वाले भविष्य में इससे हम एनर्जी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें, डिफरेंट टाइप के ओशन एनर्जी हो सकते हैं, जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, और इनको हम अब एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम टाइडल एनर्जी की बात, वेव एनर्जी की बात करें, पहले हम वेव एनर्जी की बात करते हैं। जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जो समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, उससे हम किस तरीके से जो हवा चलती है उससे, जो लहरें उठती हैं उससे हम किस तरीके से एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, इसका काफ़ी पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे। और लेकिन ये क्या है कि जो इसके सेटअप, इसके जो कन्वर्टर्स या एनर्जी कन्वर्टर्स या जो प्लांट सेटअप किए जाते हैं वेव एनर्जी से, एनर्जी वेव से एनर्जी लेने के लिए, वो काफ़ी हाई कॉस्ट उनकी हो जाती है। इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा वाइडली नहीं है हमारे यहाँ पे यूज्ड, लेकिन इससे हम कमर्शियल उत्पादन एनर्जी का कर सकते हैं। तो वेव पावर सिस्टम जो है उसमें हम जो वेव्स का मोशन है, जो लहरों का मोशन है, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है आगे चल के थ्रू दी हेल्प ऑफ टर्बाइंस।
ये समुद्र की लहरों से जो एनर्जी लेते हैं वो समुद्र के किनारे जो ऑफशोर हमारे सी बेड्स हैं वहाँ हम सी बेड्स स्थापित कर सकते हैं। ये सी बेड्स फ्लोटिंग भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, और ये समुद्र के किनारे किनारे शोर लाइन पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जो वेव एनर्जी है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये इससे हम एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो जनरेट कर सकते हैं। कई इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जैसे यूके, नॉर्वे, यूएसए, जापान, यहाँ पे ये हार्नेस की जा रही है वेव से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन हम कर रहे हैं। और यहाँ इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में जो ओशन इंजीनियरिंग सेंटर है वहाँ पे ये सबसे पहले इसका वेव एनर्जी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया गया था बहुत साल पहले, लगभग 1892 में, 1892 में। और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एनुअल वेव एनर्जी पोटेंशियल अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट इट इज़ अबाउट 60,000 मेगावाट। काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये जो हम इससे हार्नेस कर सकते हैं। जो सी की सरफेस पे वेव एनर्जी क्या है, एक्चुअली ये सी की सरफेस पे जो मोशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, वाटर वेव्स या लहरें जिनको हम कहते हैं, ये हवा के प्रभाव के कारण बनती है, जो कि एक कांस्टेंट हमें सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में मिलती हैं। और जो 1.5% सोलर एनर्जी है जो कि सन से आती है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी, एंड पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसफर्ड टू सी, मतलब विंड एनर्जी के रूप में आती है। जो सोलर हीटिंग में अनइक्वल हीटिंग होती है हमें पता है कि वो विंड बनाती है, और इसका जो कुछ पार्ट है वो सी सरफेस को ट्रांसफ़र होता है और ये वेव्स को जनरेट करता है। और ये जो हैं वो डिसिपेट होती हैं समुद्र के किनारे किनारे, और ये वापस जो लहरें हैं वो समुद्र में जाती हैं, समुद्र से बाहर आती हैं। और ये एक्सट्रैक्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज वेव्स इज़ मोर एफिशिएंट देन डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ पावर फ्रॉम विंड, बिकॉज वेव एनर्जी इज़ कंसंट्रेटेड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ विंड एंड द फ्री ओशन सरफेस। सो देर आर मैनी बेनिफिट्स, देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वेव एनर्जी। मल्टीपर्पज़ वेव रेगुलेटर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग बैरियर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ काम पूल बिटवीन द बैरियर एंड द शोर, एंड दिस कैन बी यूज एज अ हार्बर और अ स्पेस फॉर एक्वाकल्चर और कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके कई सारे यूजेस हैं वेव एनर्जी के, जो हम ये WRS एस्टेब्लिश करके कर सकते हैं। नाउ इसमें कई प्रॉब्लम्स भी हमें फेस होती हैं, जैसे जो वेव्स हैं वो दे चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दिस हैपन्स बिकॉज द चेंज इन द फ्लो ऑफ एयर। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड टेक्नोलॉजीज इन प्रोड्यूसिंग वेव एनर्जी आर टर्मिनेटर डिवाइसेस, एटीन्यूएटर्स, पॉइंट एब्जॉर्बर्स एंड ओवर टॉपिंग डिवाइसेस। दीज मशीन्स आर वेरी कॉस्टली, सो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि इसको जो लगाना है, जो ये प्लांट एस्टेब्लिश करना है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। द सेकेंड फॉर्म इज़ टाइडल एनर्जी, एंड टाइडल एनर्जी इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर करंट्स एंड इज़ नोन फॉर लॉन्गर टाइम दैन द वेव एनर्जी। जो टाइड्स हैं, जैसा हमें पता है कि ये जो जैसे ज्वार लहरें जैसे कहते हैं हम, ज्वार भाटा आना, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से ये लहरें पीरियोडिकली समुद्र में उठती रहती हैं, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जो टाइडल एनर्जी है वो हार्नेस करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि वेव एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज उनकी जो स्पीड है हवा के कारण वो वेव्स की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टाइड्स का आना
एक नेचुरल प्रोसेस है, एक पीरियोडिकल प्रोसेस है कि जब भी समुद्र में ये लहरें उठती हैं, ज्वार लहरें जिन्हें कहते हैं हम, ज्वार भाटा आता है, वो रेगुलर बेसिस पे आता है। और जितनी ज़्यादा लंबी लहरें उठती हैं समुद्र चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उतना ज़्यादा हम इससे एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो तरीके की टाइड्स होती हैं, हाई टाइड और लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड में करीब जो है डिफरेंस, वो है 16 फिट का डिफरेंस होना ज़रूरी है, तब ये हम इससे एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। ये मतलब जो टाइड्स हैं दे आर प्रेडिक्टेबल देन विंड एनर्जी और दी सोलर एनर्जी। और इंडिया में हमें पता है कि बहुत चारों तरफ से ये तीन साइड से ये समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए पोटेंशियल जो है टाइडल एनर्जी का हार्नेस करने का वो बहुत ज़्यादा है, और करीब 8,000-9,000 मेगावाट तक हम इससे टाइडल एनर्जी कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं। और ये जो टाइडल एनर्जी है जो टाइड से आती है, इसको काइनेटिक मोशन ऑफ एब एंड फ्लो ऑफ ओशन टाइड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट। सिंस टाइड्स आर मोर प्रेडिक्टेबल दैन वेव्स, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन वेव एनर्जी। एंड ड्यू टू मैसिव साइज ऑफ ओशन, इट्स पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज वेरी हाई। जो टाइडल पावर स्टेशन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल पावर स्टेशन जो है वो ला रैंस स्टेशन है फ्रांस में, और ये करीब 240 मेगावाट पावर जो है एनुअली प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि 240,000 घरों में बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ये इंडिया में जो साइट्स हैं टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने की, वो मुख्यतया दो साइट्स हैं, एक तो गल्फ़ ऑफ कैम्बे और एक गल्फ़ ऑफ कच्छ। इन दोनों से करीब 8,000-9,000 मेगावाट तक हम एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। इसके अलावा गैंगेस डेल्टा में जो सुंदरवंस हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी टाइडल पावर से एनर्जी हार्नेस करने के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। ये जो है दूसरे देशों में भी काफ़ी यूज़फुल फॉर्म है एनर्जी का, जिससे एनर्जी निकल सकती है टाइडल पावर से, और इंडिया में प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इसका। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो भी एक बहुत अच्छा इसका पावर प्लांट लगने के लिए बहुत प्रॉमिसिंग एरिया उभर के आ रहा है सामने। तो ये हम टाइडल एनर्जी को इस तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल है, मतलब ये इट्स नॉट गोइंग टू वैनिश एवर, एंड राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब कोई पोल्यूशन इससे नहीं हो रहा है, कोई इसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, और प्रेडिक्टेबल है, मतलब पता है हमें कि पूर्णिमा के आसपास बहुत ज्वार भाटे आते हैं या ज्वार कब आते हैं लहरों में समुद्र में, तो हम इससे एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। ये तीसरा जो एनर्जी ओशन एनर्जी का रूप हमारे सामने आता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। और ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट ओटेक के रूप में हमारे सामने आते हैं। ओटेक के थ्रू हम डिवाइस कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। और ये जो समुद्र से जो हम एनर्जी हार्नेस करते हैं, जिसको हम ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं, इसमें जो हमें पता है कि जो ओशन की जो सरफेस है, समुद्र का जो पानी है, उससे हम एनर्जी हार्नेस करते हैं। और जो समुद्र का पानी है वो उसके जो तापमान में भिन्नता है, टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो 25-30 डिग्री के आसपास होता है सेंटीग्रेड में, और जो लोअर साइड पे मतलब गहराई में जो पानी है उसका तापमान 5-7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब ये टेम्परेचर में डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तो हम इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से भी समुद्र के पानी से एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बन जाता है। द वाटर इट इज़ टू कोल्ड एज वी गो डीप इन द ओशन, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ये एफिशिएंट मेथड हो जाता है। दिस कंसेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर जैकस डी आर्सनवाल 1881।
एंड तीन तरीके से ये ओटेक एनर्जी, तीन तरीके के सिस्टम्स हैं इसके, जिससे ये ओशन के पानी से हम एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं. वन इज़ क्लोज्ड साइकिल, सेकेंड वन इज़ ओपन साइकिल, एंड द थर्ड वन इज़ हाइब्रिड सिस्टम. सो वी कैन यूटिलाइज दिस टेम्परेचर डिफरेंस विच एग्जिस्ट इन वार्म सरफेस सी वाटर और द कोल्ड डीप सी वाटर. इन ट्रॉपिकल वाटर्स में ये हो सकता है और इंडिया में इसका बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है. दूसरा जो बेनिफिट है इसका, ये रिन्यूएबल है, साथ में पोल्यूशन फ्री है, और जो फ्लोटिंग ओटेक प्लांट हैं इट कैन जनरेट पावर इवन एट मिड सी एंड दे कैन बी यूज टू प्रोवाइड पावर फॉर ऑपरेशंस लाइक ऑफशोर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैंगनीज नोड्यूल्स. तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में जो गुजरात स्टेट है वहाँ गल्फ़ ऑफ कच्छ में और गल्फ़ ऑफ कैम्बे में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ करीब हम एनर्जी को इससे, सागर की जो ऊर्जा है उससे एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं. टोटल जो ओटेक पोटेंशियल है, ओटेक मींस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक पोटेंशियल अराउंड इंडिया इज़ नियरली 50,000 मिलीवाट विच इज़ अबाउट 150% ऑफ द प्रेजेंट टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेटिंग कैपेसिटी इन द कंट्री. सो इन दिस वे वी कैन से दैट ओशन एंड इट्स रिलेटेड टाइप ऑफ एनर्जी मीन्स ओशन थर्मल एनर्जी एंड वेव एनर्जी एंड दिस टाइडल एनर्जी, दे आर इम्पॉर्टेंट एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. एंड इफ़ वी डू रिसर्च इन दिस फील्ड वी कैन हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विद अस. वी कैन हार्नेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सोर्सेज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.